हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्टन का एलसीडी है जो फुल ग्रीन हो रही है, तो उसका बेल्ट चेंज करके और पत्ता चेंज करके उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर हो जाएगी। अभी उसका क्रोम उतार रहे हैं क्योंकि रिपेयर करने के लिए, पत्ता चेंज करने के लिए क्रोम उतारना जरूरी है। तो ये देखो फ्रेम आउट कर रहे हैं। ये देखो फ्रेम आउट हो गया उसका। फ्रेम आउट के बाद ये देखो कस्टमर का साइन इसके ऊपर लगा हुआ है, जो आगे वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। और ये बनने के बाद भी साइन प्रॉपर दिखेगी कस्टमर की। और हम लोग जो एलसीडी रिपेयर में लेते हैं तो कस्टमर से साइन लगवा के ही लेते हैं, ताकि कस्टमर की एलसीडी के साथ कोई जुलझाल ना हो सके। और हम लोग अगर कस्टमर मना भी करता है साइन लगाने के लिए, तो हम उसको ज़बरदस्ती साइन लगवाते हैं कि भाई आप साइन लगा के ही दो, उसका पूरा आग्रह रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी उसका जो फिंगरप्रिंट का पत्ता है वो अपने हमने खोल दिया है। अभी पत्ते के ऊपर एक ब्लैक पन्नी सड़ी रहती है, तो पन्नी उतारनी पड़ती है। तो अभी वो पन्नी उतार रहे हैं। पन्नी जैसे उतर जाएगी वैसे बाद में उसका पत्ता खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एलसीडी में भी ऐसा ग्रीनिश का कोई इश्यू है, सैमसंग में बहुत सारे मॉडल में प्रॉब्लम आता है, S8 से लेके अभी का लेटेस्ट मॉडल S21 अल्ट्रा तक में, सभी में ग्रीन एलसीडी, वाइट एलसीडी, एलसीडी में लाइन आना वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो उसमें से कई सारे प्रॉब्लम ऐसे है कि जो रिपेयरेबल है, उसमें आपको नया एलसीडी डलवाने का जरूरत नहीं है। तो देखिए अभी पन्नी इसका हम ओपन कर रहे हैं। पन्नी जैसे ही खुल जाएगा फिर उसको पन्नी उसकी हम केसी की मदद से काट लेंगे। अभी देखो पन्नी हम पूरी ओपन हो गई है। जो पत्ता लगा रहता है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक खोलना पड़ता है, बाकी एलसीडी डैमेज होने का चांस रहता है, तो लाइन आने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने पन्नी एकदम ध्यान से खोल कर उसको सफाई कर दिया। अभी उसको काट रहे, देखो पुराना पन्ना जो है, पुराना पत्ता वो काट रहे। देखो कैसे की मदद से हम ऐसे काट लेते हैं। ये हो गया कटिंग। देखो इसका मुंडी काट दिया, मुंडी हाथ में ले लिया। अभी फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो काटने के बाद जो ट्रैक के ऊपर पत्ता रह गया, एक हल्की सी छोटी सी पन्नी जैसी रह जाती है, उसको भी उतारना पड़ता है। तो वो अभी उतारेंगे। और उसके लिए मार्केट में एक स्पेशल मशीन भी मिलता है उसके उतारने के लिए, लेकिन ये जो हमारे पास है प्रिएटर, उससे भी ये खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने खोल लिया पन्नी। ये देखो खुल गया पन्नी, प्रॉपरली खुल गया है। अभी ट्रैक उसके सब ओके है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ट्रैक भी चेक कर लेंगे और उसका क्लीनिंग भी कर लेंगे। जो जूना पुराना SCF ग्लू लगा रहेगा, वो SCF ग्लू हटाना जरूरी है। तो एक केमिकल आता है SCF क्लीनर, उसकी मदद से वुडन स्टिक से हम उसको साफ कर रहे हैं। जैसे ट्रैक क्लीन हो जाएंगे वैसे फ्लैक्स बॉन्डिंग मशीन के ऊपर इसकी बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग करके आपको चेक करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स, ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स देखिए, अभी एक क्लीनिंग हो गया है। जो पुराना SCF था वो पूरा क्लीन कर दिया है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स इसको मशीन के ऊपर ले जाएंगे। देखिए हमारी मशीन है, मशीन की मॉडल नंबर है EN501C, ZZ Blue Y कंपनी की मशीन है। एकदम लेटेस्ट मशीन है सर, और मशीन बहुत कामयाब मशीन है। ये देखिए उसमें ट्रैक ऐसे दिखते हैं। तो ये ट्रैक से के साथ ट्रैक मिलाएंगे और ट्रैक के साथ पत्ते के ट्रैक मिल जाएंगे, एलसीडी रिपेयर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एलसीडी हेड के ऊपर स्टक करने के लिए उसके ऊपर एक टैप लगा दिया है, बॉन्डिंग एब्रो जिसको टैप बोलते हैं, गम वाला टैप लगा दिया है। अभी पत्ता भी लगाएंगे, पत्ते के ऊपर SCF टैप भी लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, SCF टैप भी लगा देंगे। ये देखिए पत्ता हमने लगा दिया, अभी ट्रैक मिला रहे हैं। देखो ये SCF टेप नहीं लगाया था, तो हम वापस पत्ता खोल दिए और SCF लगा रहे हैं। SCF लगाना जरूरी है, SCF के बिना ये बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग का काम ही ये जो SCF वाइट टेप लगाया वो ग्लू करता है। तो SCF ग्लू को थोड़ा हीट देना पड़ता है कि ताकि प्रॉपर वो पत्ते के अंदर लग जाए, और वाइट उसका जो ऊपर का कवर है वो हटा देंगे। SCF खाली खाली ग्लू रहेगा और SCF ग्लू रहेगा और SCF का जो वाइट पन्नी, देखो हटा दिया हमने वाइट पन्नी और फेंक दिया।
तो वो पन्नी हमने हटा के फेंक दिया, अभी ट्रैक मिलर है। ट्रैक मिलाने के बाद तुरंत उसका बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करने के बाद फ्रेंड्स इसका रिजल्ट आना है कि कैसे रिपेयर हुआ, क्या हुआ, इतनी ग्रीन हो रही थी तो प्रॉपर पहले जैसे व्हाइट स्क्रीन हो गई कि नहीं हुई, टच चली कि नहीं चली, ये सारा रिजल्ट फ्रेंड्स आपको एंड में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहिए, फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स अगर आपके सेट में भी ऐसा कोई दिक्कत है तो आप हमें जैसे हमने दिखाया वीडियो में वैसे साइन करके आपका सेट भेज सकते हो, हम लोग रिपेयर करके सेट आपको वापस भेज देंगे। देखिए अभी बॉन्डिंग हो रहा है, मशीन का जो हेड है वो 260 डिग्री गर्म हो रहा है और नीचे आया तो वो बॉन्डिंग कर रहा है। अभी अभी बॉन्डिंग होने हो जाएगा, रेड ऊपर चला गया, देखो ऊपर चला गया। अभी फ्रेंड्स हम एलसीडी आपको चेक कराएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये पन्नी खोल ली है, पन्नी खोल के एलसीडी मशीन के ऊपर से हम हटा रहे हैं। एलसीडी हटा के एलसीडी आपको प्रॉपर तरीके से चेक कराएंगे फ्रेंड्स, इसमें कैसा एलसीडी सक्सेसफुल रिपेयर हुआ, क्या हुआ। फ्रेंड्स हमारे पास ये फ्लेक्स बॉन्डिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो आप आपका एलसीडी रिपेयर के लिए हमें भेज सकते हैं। हमारा कुरियर एड्रेस जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है फ्रेंड्स, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है। तो व्हाट्सएप नंबर से हमारा कांटेक्ट करके आप हमारा एड्रेस मंगवा सकते हो और आप एलसीडी भेज सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स अभी आपको एलसीडी चेक कराएंगे। तो फ्रेंड्स मदरबोर्ड हमने हमारे हाथ में लिया है, अभी उसमें एलसीडी लगाएंगे। एलसीडी लगा के मदरबोर्ड को ऑन करके आपको पूरा का पूरा एलसीडी चेक कराएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी एकदम वाइट हो गई, ऑन हो गई प्रॉपरली। और ये हमारा जो मशीन दिख रहा है वो मशीन है, और एक और मशीन भी है हमारे पास फ्लेक्स बॉन्डिंग का, ये देखिए टच प्रॉपर वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाइट भी प्रॉपर हो गई है, कुछ भी ग्रीन नहीं रही है, ग्रीन टिंट, येलो टिंट, ग्रीनिश जो भी कहते हैं वो सारा प्रॉब्लम फ्रेंड्स रिपेयरेबल है। और एलसीडी प्रॉपर वाइट हो गई, कस्टमर का साइन दिख रहा है, कस्टमर का नंबर भी उसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये देखिए टच भी प्रॉपर वर्क कर रही है, टच में भी कोई दिक्कत नहीं है। और सो फ्रेंड्स 100% ये अच्छे से रिपेयर हो गई है, और कस्टमर के बहुत सारे पैसे बस गए हैं। कस्टमर का कंपनी का एस्टिमेट 13,000 का था, ये कुछ ही पैसों में